अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल किचन स्टोरीज़ विद जिया सुहेब। आज हम लोग बनाएंगे कटलेट्स। इसमें बीफ की फिलिंग होगी। शुरू से एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। हमेशा की तरह जब मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलिंग के लिए सबसे पहले कीमा तैयार कर लेंगे। जो कीमा तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, मैं बीफ से फिलिंग करूँगी। इसमें जो आप ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट्स, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून होगा, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ये कुटी लाल मिर्चें हैं ये भी 1/2 टीस्पून होंगी, और काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, नमक इसमें ऐड होगा 1/4 टीस्पून। नमक हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि हमने आलू में भी शामिल करना है। गरम मसाला 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे, और इसमें आप छोटे साइज़ की एक प्याज लेंगे वो ऐड करेंगे चॉप करके, और लाल मिर्ची इसमें 1/4 टीस्पून ही आप ऐड करेंगे। कीमा हम पकाना आप शुरू करेंगे। हम लोगों ने एक छोटी सी देगची में ऑयल लिया है, ऑयल हमने बहुत कम लिया है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, आपने भी इतना ही ऐड करना है। फिर जो हमारा प्याज है वो हम इसमें ऐड करके सौते करेंगे, ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको पकाएंगे। अब आप देखें थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और इसको मैंने मिक्स किया। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि इसका एरोमा जो है वो जो लहसुन का एक स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन जब फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करके हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। कीमा मैंने इसमें ऐड किया। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल इसमें बहुत कम, जिस तरह के मैंने आपको बताया है, इसमें आप 1.5 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें बहुत ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको फिलिंग के लिए रेडी करना है। कीमा हल्का सा फ्राई करने के बाद हम लोगों ने इसमें जितने मसाले थे हमारे, हमने वो ऐड कर दिए। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको इतना पकाएंगे कि कीमा अपना पानी छोड़ दे। अब आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि कीमे में से पानी निकलना शुरू हो गया है, और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड करेंगे, और 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। हमने इसको हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए पकाया, सारा पानी खुश हो गया, और उसके बाद हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है कि इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम लोग कटलेट्स के लिए बैटर रेडी करेंगे। कटलेट्स के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 किलो आलू लिए थे। 1/2 किलो आलू को उबाल के अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया। मैश करने के बाद इसमें मैंने साथ ही साथ जो है वो नमक ऐड कर दिया था। नमक मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड किया है क्योंकि हमारे पास जो बैटर हम इसमें ऐड करेंगे उसमें भी ऑलरेडी नमक है, तो कटलेट्स में हम इतना ही नमक ऐड करेंगे। जो रिमेनिंग मसाले इसमें ऐड होंगे उसमें मैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, इसमें ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी, और काली मिर्चें भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी। कीमा का जो बैटर मैंने बनाया था वो मैंने रखा हुआ है, और हरा धनिया हरी मिर्चें चॉप करके मैं आलू में ऐड कर लूँगी। इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 आलू के बैटर में ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें हमारे जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड किए, इसके बाद हरा धनिया हरी मिर्ची जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो ऐड की, और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कटलेट्स के जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम लोग अपने जो कटलेट्स हैं उनमें कीमे की फिलिंग करेंगे। हाथों को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें, और जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है सेम उसी तरीके से सब स्टेप्स को फॉलो करें। एक कटलेट जितना बैटर लें उसको राउंड करके इस तरह फ्लैट कर लें अपने हथेली के ऊपर, और उसके बाद जो कीमा आपने फिलिंग करनी है कीमे में वो आप ऐड करें। मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया था, इसको अच्छी तरीके से प्रेस किया, और उसके बाद मैं इसको राउंड करके अच्छी तरीके से प्रेस करके इसको कवर कर लूँगी। कवर करते हुए आपने ध्यान रखना है कहीं से भी बैटर जो है वो बाहर ना हो, क्योंकि जब अगर आप फ्राई करेंगे तो उस टाइम पे ये कीमा जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे आपने वीडियो में देखा है आपने बिल्कुल उसी तरीके से अच्छी तरह कीमे को कवर कर लेना है कटलेट के अंदर, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने भी कवर किया है, और इसी तरीके से आपने इसको बनाने हैं सारे कटलेट्स को। 1 बाय 1 आप हर कटलेट को इसी तरह बनाएंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। सारे कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। कटलेट्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे एक ही साइज़ के बने हैं, आपने बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। कोटिंग के लिए हम लोग इसमें ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे। मैंने नॉर्मल जो ब्रेड क्रम मार्केट से मिलते हैं पाउडर फॉर्म में, मैंने वो इस्तेमाल किए हैं।
आप इसमें कोई और भी ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दो अंडे उनको अच्छी तरीके से विस्क कर लेना है, अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट लेना है और उसके बाद मैं इसकी कोटिंग करूँगी। वन बाय वन हम लोग कटलेट को उठाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कटलेट को उठा कर डिप करना है अंडे के साथ। अंडे में हम इसको कोट करेंगे। आप लोग फोक के साथ करना चाहते हैं वैसे कर लें। मैं हर वीडियो में जैसे कि आपको बताती हूँ मुझे हाथों के साथ काम करना ज़्यादा ईजी लगता है, तो मैं उसी तरीके से इसकी कोटिंग करूँगी। मैंने अच्छी तरीके से इसको अंडे में अच्छी तरीके से कटलेट को डिप किया है कि कहीं से भी जो कटलेट है हमारा वो ड्राई ना हो। कहीं से भी ड्राई होगा तो ऑब्वियसली अच्छी तरीके से कोटिंग नहीं होगी इस पे ब्रेड क्रम की। तो अंडे में इसको अच्छी तरीके से डिप करना है और ब्रेड क्रम के साथ आपने अच्छी तरीके से इसको कोट करना है। अब इसको अच्छी तरीके से कोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कटलेट बहुत क्रिस्पी और जिस तरीके से आपको वीडियो में शो हो रहे हैं बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिलेगा, वैसे ही कटलेट आपके रेडी होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको कोट करना सिखाया है, पहले अंडे में डिप किया और फिर ब्रेड क्रम में, आपने सेम उसी तरीके से सबको कोट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो कटलेट थे उन सब की कोटिंग हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कोटिंग हो गई है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल लिया, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया। मुझे फ़िलहाल ज़रूरत थी 5 कटलेट्स की, तो मैं 5 कटलेट्स ही फ्राई करूँगी और रिमेनिंग जो कटलेट्स हैं उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी दोबारा कभी इस्तेमाल के लिए। आप इसको बना के रख सकते हैं, शाम की चाय में बनाएं, गेस्ट के लिए बनाएं, डिनर के साथ, लंच के साथ सर्व कर सकते हैं। ये कटलेट्स बना के आप रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स के लिए आप इसको ईजीली स्टोर कर सकते हैं। कटलेट्स मेरे फ्राई हो रहे हैं, आप देखें मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेट किया है ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि साइड से भी हमारे कटलेट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। हमने इसमें क्रम्स की कोटिंग की हुई है इस वजह से। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग भी फ्राई करें, आप लोग इंजॉय करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा। कटलेट्स को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द कटलेट्स की और रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। कटलेट्स जब हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसको डिश आउट कर लूंगी और इसको सर्व करूंगी। कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। आप लोग इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। ये मैंने इसको दरमियान से काटा है कटलेट को दिखाने के लिए कि इसकी कितनी अच्छी तरीके से फिलिंग हो गई है। मेरे हाथों में मैंने इसको पकड़ा हुआ है और ये इतने गर्म थे कि मेरे हाथ कांप रहे थे इसको पकड़ते हुए। जब आप लोग ट्राई करेंगे कटलेट्स की रेसिपी को तो काइंडली मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलें। साथ साथ मैं आपसे कहते चलूँ कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरा चैनल को ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ, न्यू टिप्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।